कौन हो तुम लोग? मैं हूँ अंकल। अंकल? किसका अंकल? नहीं नहीं अंकल तो मैंने आपको कहा है, मैं हूँ तैमूर। अरे तैमूर ये तुम हो? और ये कौन है तुम्हारे साथ? ये 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 छोटी ये बड़ी है। क्या ये कीरत लगाई है भाई? कौन है ये और शुमाइला कहाँ है? सुबह तुम्हारे साथ गई थी। अच्छा शुमाइला तो ऊपर कमरे में सो रही है। कब से सो रही है? हाँ अच्छा इसका चेहरा मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है। नहीं नहीं अंकल मैं तो 4 दिन पहले गांव से आया हूँ। 4 दिन पहले? तो 4 दिन कहाँ थे? अब ये, 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 ये स्टेशन पे था। ये स्टेशन पे रह रहा था। ये रेलवे स्टेशन पे भीख मांगता है क्या? नहीं 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 भीख नहीं मांगता, स्टेशन पे रह रहा था। आज मैं इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था तो मैंने मेरी नजर पड़ी और मैंने कहा चल मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई मेरे साथ चल। वो सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अब तो बताना पड़ेगा यार। वो ये ना ये शुमाइला का इकलौता भाई है। असल में ये गांव से आया है, अभी गांव से आया है। अच्छा शुमाइला का भाई है, वो भी अकलौता? जी जी बिल्कुल। और इसका नाम वलीद है, वलीद। अच्छा शुमाइला का भाई है, शुमाइला का भाई है, फिर तो हमारा मेहमान हुआ ना, और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, ऐसे चोरी छुपे आने की फिर क्या जरूरत थी? असल में रात बहुत देर हो गई थी ना, मैंने सोचा आप नाराज ना हो जाएं हमसे, इसलिए हम दबे पांव अंदर आ रहे थे। देखो भाई नींद तो खराब मेरी हो गई है। सॉरी अंकल, हमें माफ कर दे। ऐसा कैसे भाई, अब तो 2-2 कप चाय पियेंगे तभी बात बनेगी। अंकल मुझे तो बनाने नहीं आती चाय। अरे तो क्या हुआ, यहाँ होटल बहुत हैं। तैमूर मियाँ जाके होटल से चाय ले आएंगे, जब तक हम गपशप कर लेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस यूं गया और यूं आया चाय लेके। हाँ क्या नाम बताया तुमने? वलीद। आओ आओ बैठते हैं, गपशप करते हैं। अंकल इसका ख्याल रखना, मेरा छोटा भाई है। हाँ हाँ आओ 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 वलीद। आ जाओ वलीद मियाँ, आ जाओ आओ बैठो, इसे अपना ही घर समझो, आ जाओ। अरे तुम खड़े क्यों हो भाई, इधर आके बैठो। अरे क्या हो गया यार, बैठ। अच्छा अब सुनाओ। क्या बताऊं अंकल? अरे भाई वही जो तुम्हें पता है और मुझे पता नहीं। मतलब पूछना क्या चाह रहे अंकल आप? अच्छा भाई तुम छोड़ो ये सब, पहले तुम रिलैक्स होके बैठो और सुकून की सांस लो। खाक सुकून की सांस लो, सामने मौत का फरिश्ता बैठा हुआ है। अरे वलीद मियां क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो गए? नहीं 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 कुछ भी नहीं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि शुमाइला और तैमूर की शादी कब हुई थी? शादी कब हुई थी पता नहीं। क्या मतलब, कैसे पता नहीं? हाँ मतलब मैं मजदूरी करने शहर आया हुआ था ना अंकल। अरे अकलौती बहन की शादी से भी जरूरी कोई काम हो सकता है? कहीं तुम्हारा सेठ भी जालिम तो नहीं? जालिम जी? हाँ 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 बिल्कुल जालिम है अंकल। वाह अंकल वाह, आपको कैसे पता चला वैसे? अरे मुझे तो शुमाइला के बारे में इससे भी ज्यादा पता है। अरे मैं पानी लेके आता हूँ। तैमूर अबे कहाँ चला गया था यार, इतनी देर कर दी तूने। मैं कहाँ गया था, दौड़कर वापस तो आ गया हूँ। अरे बस कर दे यार बस कर दे, मुझे अब मुझे डर लग रहा है। डर नहीं मैं हूँ ना, मैं तैमूर हूँ तैमूर। अरे यार तेरे से नहीं लग रहा, बहुत चांक चांक से डर लग रहा है मुझे। मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तू कुछ नहीं संभाल सकता, मत संभाल मेरे से नहीं हो रहा ये अब। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं तुझे मजबूर कर रहा हूँ ये सब कुछ करने पर। अच्छा मेरी गलती है, मैं सर कुछ अपने ऊपर लेता हूँ, ठीक है? मुझे माफ कर दे यार, माफ कर दे। अरे भाई किस चीज की माफी, और अगर माफी मांगनी भी है ना तो तैमूर मांगे, तुम क्यों? ओ भाई बस
मैं किस चीज की माफी मांगूंगा सर? अरे वाह, चाय लेने गए थे और खाली हाथ वापस आए हो, इस चीज की माफी? ओ तो भूल ही गया था, मैं चाय लेने गया था फिर खाली हाथ वापस आया हूँ, इसलिए सॉरी जहर, सॉरी मैं तो डर गया था। अच्छा खैर छोड़ो तुम इस बात को, ये लो पानी पियो, गला खुश्क हो रहा है तुम्हारा। ऐसा क्या किया है तेरा गला खुश्क हो रहा है? पी ले अब। जी बाजी सब्जी। सब्जी? सब्जी तो नहीं है भाई। क्यों नहीं है? बहुत है सब्जी। घर मेरा है या तुम्हारा? जब मैं कह रही हूँ सब्जी नहीं है तो नहीं है ना, मगर रेडी भी तो हमारी है ना। तो मैं कह रहा हूँ बहुत है। क्या मतलब रेडी? मतलब सब्जी की रेडी। अच्छा तो ऐसे कहिए ना। लेकिन ऐसे कहने से हमारी सब्जी कैसी बिकेगी? भाई मेरा मतलब है इस तरह पूरी बात पहले बताते ना। पहले कैसे बताता? दरवाजा तो बंद था ना, अब बंद दरवाजे को बताने का क्या फायदा? अच्छा भाई तुम जीते मैं हारी, बस अब तुम जाओ। कैसे छोड़ दूं बाजी, इसी बात से तो हमारे घर का चूल्हा जलता है। इन फजूल बातों से? नहीं भाजी, सब्जी की बातों से, जो मैं हर गली गली में दरवाजा दस्तक देकर बेचता रहता हूँ। अच्छा भाई तुम जीते मैं हारी, बस अब तुम जाओ। जाऊं? क्यों जाऊं? कैसे जाऊं? मेरा मतलब है आपको सब्जी नहीं चाहिए? नहीं भाई नहीं चाहिए सब्जी, अब तुम जा सकते हो। ओके अजीब लोगे, जब सब्जी नहीं लेना था तो मेरा इतना टाइम क्यों बर्बाद किया? ही तेरी। अबे चल भाई उठ जाए यार, कितना सोएगा? सोने दे यार, आज कौन सा काम पे जाना है? यार मतलब काम ना होने का ये मतलब तो नहीं है कि तू पूरा दिन सोता ही रहेगा। यार छुट्टी का मतलब और क्या होता है फिर? वाह यार वाह, अब दूसरे घर देखने नहीं जाना हमने या तुझे शबीर चाचा से मोहब्बत हो गई है? कम से कम सोते हुए नाम ना लिया कर उसका, अब तो नींद में भी डर लगने लगा है यार। चलना आप जल्दी से मुंह धो और सामान लपेटना शुरू कर। शाबाश। हाँ यार मैं ना ऐसा करता हूँ कि फ्रेश हो जाता हूँ, तू ना जल्दी से सामान समेट ले। हाँ चाचा का नाम ना लिया कर यार। इसके बाद बता। हाँ बैग्स कहाँ है? वहाँ है, देख ले जा ना। क्या हो? अरे भाई क्या हो गया, अब ये सुबह सुबह मुंह क्यों बना हुआ, अचार खा लिया क्या? सुबह सुबह क्या, मैं तो कड़ी दोपहर में भी अचार ना खाऊं, तो वैसे भी मर्दों को अचार खाना जेब नहीं देता। तो फिर इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? ये तो आपको देख के ऐसा हो गया। भाई मेरे पास तो अचार नहीं है। ये क्या अचार अचार की रट लगा रखी है तुमने, कोई और बात नहीं कर सकती हूँ? अब जाहिर सी बात है इतने गंदी शक्ल बनाने पे बंदा अचार की ही बात करेगा, अब अच्छी सी शक्ल बनाओगे तो फिर मुझे बिलावज अचार का जिक्र करने की क्या जरूरत है? जो बोलना है बोलो, मेरी बलास है। अच्छा शादिया कहाँ है? अंदर है, जाइए चाय बनवाइए। वो अगर चाय बनवाओ ना एक कप मेरे लिए भी बनवा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी मजेदार सी गरम गरम चाय बनवाती हूँ कि आज तुम्हें मेरे साथ ना बैठकर चाय पीना नसीब होगी। क्या बात है, सारी जिंदगी याद करोगे कि भाई मेरे साथ तुम्हें चाय पीना नसीब हुई। और फिर शहजादे ने दिल की बात कह दी, उसने कहा कि अब वो इसके बिना नहीं रह सकता। न कोई धंधा न कोई काम काज है, जिसको भी देखो वो आशिक मिजाज है। लगता है कि किसी अहम मोड़ पे पहुंची हो। आपका भाई खाला? अभी आई हूँ, बस थोड़ी सी और देर लगा देती ना आप तो शहजादे ने अपनी मोहब्बत हासिल कर लेनी थी। आए हाय दफा करो शहजादे को,
ऐसी बातें ना पेट भरे लोग करते हैं। तो क्या आपका पेट खाली है खाला? अरे भाई मेरा कहने का मतलब है कि पेट भरे लोगों को ही ऐसी बातें सूझती हैं। हो सकता है आप ठीक कह रही हो। ठीक नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अच्छा चलो खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि नाश्ते में क्या बनाया है? क्या मतलब खाला, आप किसी होटल नहीं आई हुई जो आप नाश्ते का पूछती रहती हैं? अच्छा भाई चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी? अगर मिल जाएगी तो बहुत मजा आएगा। वैसे भी ना चाय के मारे ना सर में दर्द हुआ जा रहा है, फटे जा रहा है बल्कि। खाला कितनी दफा बोला सर दर्द के लिए टैबलेट लिया करें, आपने भी अपने सर दर्द के लिए हमेशा चाय मांगती रहती हैं। तो बना दो, क्या हो गया, सर का दर्द ठीक हो जाएगा ना, किसी बीमार का बंदा ख्याल भी कर लेता है।